Seven presents the podcast show. और अपने इस पहले एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं जो पूरे भारतवर्ष में ट्विटर को बैन करने की लहर दौड़ चुकी है. क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या इसके इम्पैक्ट्स होंगे, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और क्या इसके कॉजेज होंगे, क्या ये ठीक होगा, क्या इसकी छवि भारत पूरी दुनिया में कैसी छवि देगा भारत, इस पे बात करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. चलो भाई मेरी मानो, एक काम करो, ये ट्विटर ऐप है ना उसको बैन कर दो और सारे जितने इंडिया के जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने सेलिब्रिटीज लोग हैं, जितनी बड़ी पर्सनालिटीज हैं, उन्हें कुएप पे शिफ्ट कर दो. ठीक है, क्योंकि कुएप जो है इंडिया बेस्ड है, इंडिया ने रिकग्नाइज कराया उसे, तो सब कुएप पे चले जाओ. ट्विटर का क्या करना है फिर? ट्विटर को भाई बैन कर दो यार. लेकिन अगर इफ़ यू लुक क्लोजली ना, ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सी बात है. जो ये सोशल मीडिया पे पूरी वेव आ गई है ना कि ट्विटर बैन, तो मतलब तुम एक वर्ल्ड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो, ट्विटर की बात कर रहे हो. यार थिंक अबाउट कि अभी नॉर्थ कोरिया या चाइना की बात करते हैं, अगर हमारे पास दिमाग में आता है कि नॉर्थ कोरिया में ट्विटर बैन है, फेसबुक बैन है, व्हाट्सएप बैन है, ये सब चीज़ें बैन है, तो आपके दिमाग में क्या थॉट आता है उस कंट्री को लेकर कि यहाँ ट्विटर बैन है या व्हाट्सएप बैन है? अब सोचो कि जब यूएस में, ब्रिटेन में कोई बंदा इंडिया के लिए ऐसा कुछ सोचेगा. नाउ यू आर थिंकिंग लाइक अ लेमैन. अब थिंक अबाउट एज अ पर्सन जिसको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, वो जब इंसान सोचेगा भाई यहाँ ट्विटर बैन है ब्रो, तो वो कैसा जाएगा? मतलब समझ आ रहा है? तो ये सिर्फ एक बहुत ना छोटी सी बात लगती है कि चाइनीज ऐप की तरह कर दो बैन, इतनी सारी चाइनीज ऐप करिए, ट्विटर भी बैन कर दो. पर इसका जो इम्पैक्ट होगा, जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना इसके, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होंगे और वो इंडिया की इमेज पे बहुत ही मतलब सही तरीके से इम्पैक्ट नहीं देंगे. वही है ना कि आप देख लीजिए, पीएम मोदी हैं, पीएम मोदी इतनी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ट्विटर पे हैं, वो अगर एक ट्वीट भी करते हैं जरा सा भी, तो कितने बड़े करोड़ों लोगों के पास वो ट्वीट जाता है, करोड़ों लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं. ठीक है, और पहुंचता है वो लोगों तक, एक्चुअली में उनकी बात ट्विटर तक जाती है, वो क्या कहना चाहते हैं, तो वो आप देख रहे हो उनकी ट्वीट से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है. और अब ट्विटर ही बैन करने की बात कर रहे हो, तो ये कहां तक सही है वाली बात यार. लेकिन अब इफ यू लुक क्लोजली, अब ट्विटर की अगर प्राइवेसी पॉलिसीज पे बात करें, तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि जी जो ये अकाउंट्स हैं कुछ, ये इंडिया में रायट्स या फिर हेट फैला रहे हैं, तो इनको बैन करो. तो क्यों नहीं कर रहे बैन, कर दो. ट्विटर की प्राइवेट पॉलिसी खुद कहती है कि यू हैव द राइट फॉर द फ्री फ्लो ऑफ वर्ड्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है कि अब हर इंसान को जो है अपनी बात रखने का अधिकार है. और वही आप एक दूसरी तरफ देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की बात देखें, तो इतना बड़ा आदमी है, उसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, और उसको बैन कर दिया. अच्छा, यहाँ एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है तालिबान का ना, उसका अकाउंट ट्विटर पे है और वो बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यूएस का प्रेसिडेंट था, इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड. ठीक है, तुमने उसका ही अकाउंट बैन कर दिया, तब क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच? वही तो. और अगर तुम इतना रेस्ट्रिक्ट करके चल रहे हो फ्रीडम ऑफ स्पीच को, तो फिर तालिबान और इन सब चीज़ों के करो. और जो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई साहब, और वो एक्चुअली में जिन अकाउंट्स को इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है ना कि जी ये बैन करो, वो एक्चुअली में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक थे और वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे, पाकिस्तान और हैदराबाद से कुछ चीज़ें थी जहाँ से ऑपरेट हो रहे थे, तो उन्हें बैन करो. मतलब कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है ट्विटर की. इतना जो फार्मर प्रोटेस्ट जो चला है, उसको एक अलग एंगल ही दे दिया है. एक ये हो गया है कि खालिस्तान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हाँ, मतलब ये चला तो एज अ फार्मर था, फिर उसके बाद वो हुआ, इतना हो गया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्विटर से भी कहा कि आप जो है बैन कर दीजिए इन अकाउंट्स को, क्योंकि ये हेट फैला रहे हैं और डिविजन कर रहे हैं एक तरीके से इंडिया के बीच. लेकिन ट्विटर ने साफ मना कर दिया. और एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, मतलब ट्विटर कितना इंपॉर्टेंट है ये इस बात से पता चलेगा. ठीक है, आज किसान आंदोलन जब शुरू हुआ, ठीक है, वो पहले फार्मर्स था, फिर वो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट वर्सेस द खालसा कम्युनिटी बना. और आज की डेट में ना, जब रेहाना, मियां खलीफा और इन्होंने ट्वीट करा इस चीज को लेके, तो उसके बाद ये कंप्लीट लहर ट्विटर पे ही शिफ्ट हो गई ब्रो. मतलब अब आज की डेट में ट्विटर 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 हो रहा है सिर्फ, और ये सब कुछ फार्मर प्रोटेस्ट से ही शुरू हुआ है एक तरीके से देखा जाए तो. ट्विटर हैव दैट पोटेंशियल कि वो प्रोटेस्ट और इन सब चीजों को कैसे मतलब स्पार्क दे सकता है ना, क्योंकि ट्विटर ब्रिंग्स द वर्ल्ड टुगेदर. आप देखिए, रियाना हो गई, ग्रेटा थनबर्ग हो गई, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ट्विटर फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेके कि उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं,
और उसको लेके इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन ये एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू। एक दूसरी तरफ हम देखें, अगर बिडन हो गया और बोरिस जॉनसन हो गया, तो उन्होंने काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट भी करा है, और वो भी ट्विटर से ही वो करा, भी ट्विटर मतलब से सिर्फ करा। नेगेटिव ही नहीं, सिर्फ हाँ प्रोटेस्ट ही नहीं। अगर बाइडन ने इन फार्म लॉज की तारीफ करी, बोरिस जॉनसन ने नरेंद्र मोदी को अपना सपोर्ट दिया, तो वो कहाँ से किया? सही, क्योंकि लोगों को दोनों तरीके का ओपिनियन मिल रहा है, मिल रहा है, टू साइड। और यार ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से अब मेरे जैसे लोग हैं जो एक्चुअली में ट्विटर पे डिपेंडेंट है रोजमर्रा की न्यूज के लिए। यार दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, मोदी जी क्या कह रहे हैं, प्रधान होम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, हर चीज पीएलए, चाइना से चाइनीज पीएलए जो है उस वो क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, ये सब कुछ ट्विटर पे ही तो आ रहा है। यार तुम इसको बैन करने की बात कर रहे हो, यार क्या कर रहे हो? तो जैसे देखा जाए तो जो ट्विटर है वो खाली पॉलिटिकल इश्यूज पे भी नहीं, लेकिन एंटरटेनमेंट के लोग जो हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड से जो लोग हैं, वो भी ट्वीट करते हैं, अपनी फीलिंग्स बात रखते हैं। जैसे अब पिछले दिनों देखा जाए तो इतनी बड़ी ट्वीट वॉर हुई बिटवीन कंगना रनौत एंड दिलजीत दोसांझ फार्मर प्रोटेस्ट को लेके, तो उसमें लोगों को पता लगा कि जो जिनको लोग जो लोग मतलब इन्हें इतने सपोर्ट करते हैं पर्सनल लाइफ में पर्सनल लाइफ में वो क्या है? चल रहा है? हाँ। मतलब एक्चुअली ये सिर्फ पॉलिटिक्स या एंटरटेनमेंट, भाई हर चीज के लिए इंसान इस टाइम पे ट्विटर पे डिपेंडेंट है डाउन द लाइन। मतलब हर कोई नहीं, पर जो है यार सोशल मीडिया पे कोई चीज ट्रेंड होती है तो उसकी लहर जो है ना, बिल्कुल उसका जो ओरिजिन पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, दैट्स ऑलवेज ट्विटर। ठीक है, रोज लोग ट्विटर का ट्रेंडिंग सेक्शन खोल के देखते हैं कि दुनिया में एक्चुअली में क्या ट्रेंड कर रहा है, और जो वहां ट्रेंड होता है उसके बाद वही फिर आगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कवर अप होता हुआ चलता है। क्योंकि देखा जाए सोशल प्लेटफॉर्म्स बहुत है आज की तारीख में, फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, इंस्टा भी है, लेकिन ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें इतने बड़े लोग हैं और वो अपनी बात छोटे छोटे वर्ड्स में कहते हुए बहुत बड़े ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं अपनी बात। अच्छा एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, यार आज दुनिया में जो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ा इशू जो एक्चुअली में अभी यूएस ने भी म्यांमार में जो सब कुछ हो रहा है उसके अगेंस्ट सैंक्शंस किए हैं। ठीक है, म्यांमार में जो रूलिंग गवर्नमेंट थी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसकी स्टेट काउंसलर को जेल कर दिया दोबारा, और उसके बाद मिलिट्री रूल लिया है वहाँ पे, मिलिट्री शासन है। ठीक है, एक साल की इमरजेंसी घोषित कर दिया वहाँ के कमांडर इन चीफ ने। अब वहाँ पे इंटरनेट, फोन कॉल्स, न्यूज़पेपर, हर चीज़ बैन कर दी, पर वो चीज़ की जो न्यूज़ थी वो सबसे पहले पूरी दुनिया को कहाँ से मिली? वो ट्विटर से मिली यार। तो थिंक अबाउट व्हाट आर यू ट्राइंग टू बैन, मत ठीक है, मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग। कि जितने भी अब इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, काफ़ी सारे पेजेस हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं मिलियंस में और थाउजेंड्स में, और वो एक्चुअली में इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि हम शिफ्टिंग टू कू, कम ऑन कू, ट्विटर तो जा रहा है, ट्विटर तो जा रहा है। ब्रो ट्विटर नहीं जा सकता, लेट्स बी प्रैक्टिकल। अच्छा यार एक और बात यहाँ पे है कि जो इंडियन ऑडियंस है ना वो एक्चुअली में जुगाड़ निकाल लेगी ब्रो ट्विटर चलाने का। ठीक है, मैं मान रहा हूँ तुमने कर दिया बैन, पर लोग क्या जुगाड़ू नहीं है? लोग भाई बहुत जुगाड़ू है, तुम देखा नहीं जैसे पबजी बैन हुआ था उसके बाद भी लोगों ने कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही लिया, खेल ही रहे थे, खेल ही जिनको रहे पबजी खेलनी थी वो खेल रहे वो भी खेल रहे थे। मतलब ये अगर ये, या तो टिकटॉक जैसा बैन करो तगड़े तरीके से, हाँ, कि वो यूज ही ना कर पाए इंसान, मगर लोग जुगाड़ू हैं, ऑडियंस जुगाड़ू है, वो निकाल लेंगे यार ट्विटर का जुगाड़। और तेरे को लगता है प्रैक्टिकली होता, डू यू रियली थिंक कि जो ये है अपना कू ऐप, इस पर सब लोग शिफ्ट हो जाएंगे? नहीं हो सकते यार, ट्विटर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल लेवल पे जो है इतने सारे लोग हैं, और एक तरफ कू ऐप को देखो आप, अभी आई है, एक महीना दो महीना हुआ है उसको और इतने लोग भी नहीं है उस पर। तो इतना जितना इन्फ्लुएंस ट्विटर ऐप के थ्रू कोई भी इंसान पहुंचा सकता है वो नहीं कर दे सकता वो, लेकिन कू ऐप के थ्रू दे अच्छा, सकता। मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूँगा यार, तूने रेहाना की और उन सब की बात करी, ठीक है, अब इंडियंस को कैसे पता चलता है कि बाहर के लोग इंडिया के बारे में क्या सोच रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि रेहाना जी आएंगी और वो अपना न्यूज चैनल पे ये एबीपी या जी न्यूज या एनडीटीवी पे बैठ के बोलेंगे हाँ 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 इंडिया बहुत अच्छा इंडिया ये, या फिर बाइडन जी आएंगे बोलेंगे, कैसे पता चल रहा है? थ्रू ट्विटर, या फिर इंस्टाग्राम पे कोई कैनवा पे या कहीं पे एडिट करके एक पोस्ट उसमें लिख के अपना ओपिनियन देंगे? नहीं यार, या तो आइदर इट्स फेसबुक और इट्स ट्विटर, एंड इन टूडेज वर्ल्ड इट्स ऑलवेज ट्विटर। जिसको बोलना है, जिसको अब मेरे को यूएस के बारे में, यूएस कैपिटल में क्या हुआ उसके बारे में ओपिनियन रखना है, तू कहाँ रखेगा बता? ट्विटर ऑब्वियसली यार, ट्विटर। और यार प्लस बड़ी से बड़ी कंपनी जो होती है ना, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी, वो एक्चुअली में आपके ट्वीट्स का जवाब देती है।
ठीक है, मेरे को एट टाइम्स बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, तो कस्टमर सर्विस पे जो लोग थे उन्होंने फोन कॉल्स नहीं पिक किए, कुछ नहीं हुआ, तो मैंने ट्वीट किया और मेरे को ट्वीट का रिवर्ट आया। वही पिछले दिनों में जैसे GST का बहुत चल रहा था कि डेट बढ़ नहीं रही थी और लोगों का जो है फाइन की दिक्कत रहती है, लोगों की पेनल्टी लगेगी, तो अगर वहाँ पे जैसे किसी ने रीच करा गवर्नमेंट को कि आप डेट के लेके बढ़ेगी या नहीं, तो नहीं रिप्लाई आया। रिप्लाई अच्छा, एक ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक और चीज़ बताता हूँ, अभी कोविड टाइम में क्या हुआ कि दिल्ली का ही है, ये अपना ईस्ट दिल्ली का ये सिनेरियो है जहाँ मैं रहता हूँ वहीं से, कि भाई साहब दिल्ली सरकार ने कहा कि कोविड पेशेंट को बेड देंगे ठीक है, और बेड्स हैं जो भी है उन्होंने वादे किए। अब मेरी एक फ्रेंड थी और उसको बेड चाहिए था, उसके फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई ठीक है, उन्होंने हॉस्पिटल गए वहाँ पे बेड मांगा, उन्हें नहीं दिया। उस बंदी ने एक्चुअली मैं एट अ टाइम ट्वीट करा दिल्ली सरकार, मनीष सिसोदिया केजरीवाल को टैग करके ट्विटर पे, एंड गेस व्हाट, उनको एक्चुअली में अगले 15 से 20 मिनट में रिप्लाई आया, क्योंकि लोगों ने ना उसका रीट्वीट इतना किया कि वो दिल्ली सरकार तक वो बात पहुंच गई। तो ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगता है ट्विटर से कोई बात ऊपर जाने में, वो ये ऐसे भी हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट बैन कर रही है, बात कहां तक सही तो है? यार बिफोर टेकिंग एनी स्टेप्स, बिफोर थिंकिंग और अपनी उंगलियां चलाने से पहले सोचो कि क्या चीज प्रैक्टिकल है और क्या चीज नहीं, और अगर वो चीज प्रैक्टिकल है तो उसका एक्चुअली में दुनिया पे क्या प्रभाव जाएगा, तुम्हारे देश की उससे क्या छवि पूरी दुनिया में जाएगी, तो ये चीज़ सोचो और फिर उसके बाद अपना एक ओपिनियन रखो सोशल मीडिया पे, कि मतलब डोंट ब्लंटली फॉलो एवरीथिंग, नॉट जस्ट राइट और नॉट जस्ट लेफ्ट ठीक है। अभी आज कितने सारे जो लोग हैं चाहे वो BJP को सपोर्ट करते हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ वी फेवर ट्विटर बैन। अरे भाई क्यों, थिंक अबाउट इट यार, और अपना ओपिनियन रखने से पहले सोचो क्या है ये प्रैक्टिकल नहीं है, और अगर ये हो जाएगा तो भी ये ठीक नहीं है, सो डोंट सपोर्ट इट।